महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक और सौ पुत्रों के पिता धृतराष्ट्र, जिसे कौन नहीं जानता। वैसे तो इसके विषय में अनेक तथ्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से एक सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि धृतराष्ट्र ने अपनी ही पत्नी गांधारी की परिवार को मारा था। इसके साथ ही आखिर यूं गांधारी को एक बकरी के साथ विवाह करवाया गया था। मित्रों, चलिए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को, जो आपकी होश उड़ा देने में काफी है। उससे पहले, जो भी चैनल पे नए हो, ऐसे और सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। दरअसल धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की रानी गांधारी के साथ हुआ। बता दें, गांधारी की कुंडली में दोष था। ज्योतिषों के अनुसार गांधारी के जीवन में दो विवाह का योग था, और पहले पति की मृत्यु विवाह करने के पश्चात ही निश्चित था, और केवल दूसरा पति ही जीवित रह सकता था। मित्रों, इस दोष को समाप्त करने हेतु एक साधु ने गांधारी का विवाह एक बकरी के साथ करवाने को कहा। फिर गांधारी के परिवार उसकी विवाह एक बकरी से करवाए और बाद में उसकी बलि चढ़ा दिए, और इस बात को गांधारी के परिवार विवाह के समय सबसे छुपाए थे। इसी कारण जब धृतराष्ट्र को इस रहस्य के बारे में पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हो उठा। फिर उसने गांधार नरेश, सुबाला और उनके सौ पुत्रों को कारावा में डालने का आदेश दे दिया। मित्र, जिसके बाद सबको बहुत ही कम मात्रा में भोजन दिया जाता था, जिसके बाद एक के बाद एक सुबाला के पुत्रों का मृत्यु होने लगी। फिर प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा सुबाला ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को पूरे कौरवों का नाश के लिए तैयार किया, जिसके बाद सुबाला के सभी पुत्रों ने अपने हिस्से का खाना शकुनी को देने लगे, ताकि शकुनी जीवित रहकर उसके परिवार पर हो रही अत्याचार की प्रतिशोध ले सके। मित्र, अपनी मृत्यु से पूर्व आखिरी बार सुबाला ने धृतराष्ट्र से कहा कि वे शकुनी को कारागृह से निकाल दे। मित्र, जिसके बाद मृत्यु से पहले सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा, जो कौरों का विनाश का कारण बनने वाला था। मित्र, जैसे कि आप जानते हो, शकुनी सबसे पहले सबके विश्वास जीता, जिसके कारण मामा शकुनी दुर्योधन को अत्यंत प्रिय था, जिसके कारण शकुनी ने ही दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काया और महाभारत जैसे महान युद्ध का कारण बना। मित्रों, यही कारण थे कि जिसके चलते धृतराष्ट्र ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों की हत्या करवाया था। मेरे मित्रों, आशा करता हूँ कि ऐसे सनातनी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, ऐसे तमाम सनातनी जानकारी वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, और आप चाहो तो अगली वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।